हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लाइन कमांड सीखेंगे। तो लाइन कमांड सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। आप लाइन कमांड सिलेक्ट कर लीजिए तो हम लाइन बना सकते हैं। जैसे कि हमें इस पॉइंट से लाइन बनाना है इस पॉइंट के बीच में, तो दोनों पॉइंट को हम मैच करा सकते हैं। लाइन बन गई हमारी, ठीक है। अब इस लाइन कमांड को तो मैंने बना दिया, आप कैसे समझेंगे कि क्या होती है लाइन कमांड? लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको ज़्यादा जानकारी सॉफ्टवेयर खुद प्रोवाइड करेगा कि आपको करना क्या है। बस आप ध्यान देते रहिए और यहाँ पे पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है, कि व्हेन ए कॉन्स्टेंट इज एक्टिवेट। ये देखिए, कुछ और भी चीज़ें हमें बताता रहता है जो इस सॉफ्टवेयर के फीचर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमेशा अपनी नज़र रखिएगा और ये चीज़ें पढ़ते रहिएगा। लाइन कमांड ले लिया। लाइन आप कैसे बनाते हैं? आपके पास पेपर है, आपके पास पेंसिल है, लाइन कैसे बनाएंगे? एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर हमने एक पॉइंट पे क्लिक कर दिया, फिर क्या करेंगे, पेंसिल को बनाते हुए चले जाएंगे और दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर अगर आपको नीचे आना है तो वहीं से डायरेक्ट नीचे बनाते हुए आएंगे, फिर इस साइड आना है तो आप इस साइड आएंगे और ऊपर मैच करा देंगे ऐसे, ठीक है। ये आपका लाइन से रेक्टेंगल आपने बना लिया। अगर आपको पेपर पे रेक्टेंगल बनाना नहीं रहता तो ऐसे ही करते ना, कि आप लाइन कमांड मतलब आपने पेंसिल ले लिया और एक पॉइंट पे क्लिक करते कॉपी के, फिर दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, फिर तीसरे पॉइंट पे, फिर चौथे पॉइंट पे और फिनिश कर देते, आपका रेक्टेंगल बन जाता। तो सेम यही फंक्शन है लाइन कमांड का, कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। आप जैसे ही कमांड ख़त्म करते हैं तो अब आपके पास ये रहेगा, सपोज दैट जैसे कि हमने यहाँ पे ऐसे कमांड ख़त्म कर लिया था, तो अब कमांड से हम बाहर कैसे आएँ? अभी तो हम कमांड के अंदर हैं, हम चाहते हैं कि अब लाइन का यूज करना बंद कर दें। तो लाइन को यूज करना बंद कैसे करेंगे, ये देखिए, जो ये सिलेक्ट बटन है ना, ये सिलेक्ट बटन आपको बताएगा कि इस कमांड से बाहर जाएँ। सिलेक्ट पर क्लिक कर लीजिए तो ये देखिए, कमांड से हम बाहर आ गए। अब नेक्स्ट देखिए, ये तो डायरेक्ट है कि अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो किसी भी ऑप्शन पे रहेंगे। माना कि आप सर्किल पे हैं तो सर्किल कमांड से भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है कमांड से बाहर आने का, वो कौन सा तरीका है देखिए। हमने लाइन कमांड सिलेक्ट किया, यहाँ से चालू करते हैं, हमने ये एक लाइन बना ली, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब हमें इस पॉइंट से बाहर आना है, ठीक है। तो अगर आप माउस यूज कर रहे हैं तो माउस का मिडल माउस प्रेस करिए। जैसे ही मिडल माउस एक बार प्रेस करेंगे, ठीक है, एक बार मिडल माउस प्रेस करेंगे, ये कमांड से बाहर नहीं आएगा, बस आपका पॉइंट डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। ये देखिए, अभी आप कमांड पे बने हुए हैं, है ना, कमांड इज रेडी, ये कमांड आपका रेडी है और अभी आप कमांड पे ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं से भी चालू कर सकते हैं, फिर से लाइन बनाना। ये देखिए, लाइन कंटिन्यू हम बना सकते हैं। मिडल माउस पे एक बार क्लिक करिए और लाइन को हम ऐसे बना सकते हैं, मतलब अलग अलग करके। जैसे कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन बनाई, अब हमको थोड़ी दूर पे लाइन स्टार्ट करनी है, तो अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमें फिर से लाइन कमांड लेना पड़ेगा, फिर चालू करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंदी वर्क हो जाएगा। इसको इजी करने के लिए उन्होंने मिडल माउस एक बार प्रेस करिए तो आपका डिसकनेक्ट हो जाएगा वहाँ से लाइन कमांड, और फिर बना लीजिए, फिर मिडल माउस क्लिक करिए, फिर लाइन बना लीजिए ऐसे, ठीक है। हाँ, एक बार मिडल माउस क्लिक करिए, और अगर आप दोबारा क्लिक कर देंगे मिडल माउस का तो ये कमांड से बाहर आ जाएगा। तो हमने सीखा कि हमारे पास दो ऑप्शन है किसी कमांड से बाहर जाने के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि हम सेलेक्ट पे क्लिक कर दें, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम मिडल माउस को दो बार क्लिक करें, ठीक है। तो ये है लाइन कमांड। यहाँ पे जैसे ही आप कमांड से बाहर जाएंगे, आपको ये येलो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे येलो एरिया नहीं दिख रहा, और कहीं पे नहीं दिख रहा, दो जगह येलो एरिया दिख रहा है ब्राउन कलर का, और यहाँ पे रेड एंड
रेड डॉट दिख रहे हैं एंड पॉइंट्स पे, और ढेर सारी डायमेंशंस दिख रही है। ठीक है, तो ये जो इसमें ऑटोमेटिक डायमेंशन दिखने लग रही है, ये क्रू की खूबी है। ये चीज़ आपको कैटिया में नहीं मिलेगी, सॉलिड वर्क में भी ऑटोमेटिक इतनी अच्छी डायमेंशनिंग नहीं होती है, और सॉलिड वर्क में भी नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है क्रियो का, कि आपको जहाँ से भी रिलेशन हो सकता है ऑटोमेटिक डायमेंशन का यूज करके दिखा देता है, और आप जिस डायमेंशन को एडिट कर देंगे वो इसके लिए मान्य हो जाएगी, बाकी डायमेंशन को यूज नहीं करेगा। तो ये ब्राउन एरिया जो दिख रहा है ये क्या चीज़ है? अब हमारे मन में जाहिर सी बात है सवाल आएगा कि यहाँ पे ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, यहाँ पे ब्राउन नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हम इसे समझाते हैं। हम इसे समझने से पहले एक बार हम पूरी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के लिए क्या होगा कि हम, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर पे ढेर सारे गाने सेलेक्ट करते हैं, फोटो सेलेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से इसे पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। इसके बाद डिलीट की प्रेस करिए। जैसे ही डिलीट की प्रेस करेंगे ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। हम एक बार फिर से लाइन कमांड का यूज करके कुछ चीज़ें ड्रा करेंगे। एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। अब देखिए, हमें इस पॉइंट से हटा के एक ट्रेंगल बगल में ड्रा करना है, तो एक बार मिडल माउस क्लिक करिए। लाइन कमांड में बने रहिए, आप बने रहेंगे और यहाँ से बाहर भी आ जाएंगे। एक ट्रेंगल हो गया। ठीक है, अब हम एक ऐसा ट्रेंगल ड्रा करेंगे जो क्लोज नहीं होगा, जिसके बीच में थोड़ा सा गैप होगा, और ओके कर देंगे। अब एक बार और मिडल माउस क्लिक कर देंगे तो कमांड से बाहर आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको जो डायमेंशन दिख रही है, अगर आप चाहते हैं डायमेंशन को हाइट करना, ठीक है, डायमेंशन को हाइट करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये जो देख रहे हैं डायमेंशन जैसा ऑब्जेक्ट आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, ये इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, डायमेंशन को हाइड करने के लिए तो कैसे करेंगे, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे जहाँ पे डायमेंशन डिस्प्ले है ना, इसे आप ऐसे हाइड कर दीजिए। अभी हम शुरुआती स्टेज पे हैं, हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस सॉफ्टवेयर। ठीक है, जितनी चीज़ें हम सिखा रहे हैं आप उस हिसाब से समझिए बात को, जो चीज़ ज़रूरी है केवल उतने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इस चीज़ को हाइड कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ ढेर सारी डायमेंशन दिख रही है, इससे हमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, अब इसे हम ऐसे कर लेंगे, डायमेंशन हट गई। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ब्राउन ब्राउन, और यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये क्लोज ऑब्जेक्ट है, ये क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए एक लाइन भी हम बना लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, और डबल मिडल माउस पे क्लिक करके हम बाहर आ जाएंगे कमांड से। देखिए, चार टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, दो क्लोज हैं और ये क्लोज थोड़ा सा बकाया है क्लोज होने में, और ये तो लाइन है, बिल्कुल ओपन कमांड ओपन ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए क्रियो में एक स्पेशल ऑप्शन दिया गया है। देखिए, ये ऑप्शन भी आप समझ सकते हैं कि कैटिया में नहीं होता, सॉलिड वर्क में नहीं होता। ठीक है, तो ये भी क्रियो का एक एडवांस फंक्शन है। ठीक है, जिससे कि क्लोज ऑब्जेक्ट को हमें हाईलाइट कर रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर ये कहाँ से हाईलाइट करता है, ये देखिए, आप यहाँ पर आइए, ये जो बना हुआ है, ये नीचे वाला बॉक्स नंबर वन, ये नीचे वाला बॉक्स आपका ये नंबर वन क्लोज एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ऊपर वाला बॉक्स है ये नंबर टू कह सकते हैं हम इसे, ये शो करता है ये ओपन एंड्स को। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई लाइन आपने ड्रा किया और वो क्लोज ऑब्जेक्ट को बना रही हैं, तो वो ब्राउन कलर का फॉर्म होगा। ठीक है, वो हाईलाइट करेगा कि जो आपने बनाया है वो क्लोज है पूरी तरीके से, और बाय चांस आपने कहीं पे ओपन रह गया है कोई ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे रेड इंट शो करेगा, जैसे कि आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे ओपन है, तो इस चीज़ को हमें क्लोज करना है। तो वो इन दोनों तरीकों से वो चीज़ होगी। ठीक है, ये वाला ये ओपन इंड्स के लिए है। अगर हम इन दोनों ऑप्शंस को, ठीक
ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों ऑप्शंस को हम अगर अनचेक कर दें, ये देखिए हम पहले ऊपर वाला अनचेक कर देते हैं, तो जहाँ पे भी रेड इंड था वो हट गया, और अगर हम इस ऑप्शन को अनचेक कर दें तो ये देखिए आपका जो भी क्लोज ऑब्जेक्ट था वो भी हट गया है ना। और इन दोनों को ऑन कर देंगे तो सारे ऑप्शंस शो होने लगेंगे। तो हम जितनी भी बात आपको बता रहे हैं प्लीज़ आप नोट करते जाइए अच्छे से, ताकि आपको सीखने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये शुरुआती ऑप्शंस हैं हमारे समझने के लिए, हमारे ड्राइंग के लिए। तो इन दोनों को आप ऑन ही रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये बात है कि हम जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाए, कोई गलती से गलत बन गया, उसे डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट करने के लिए सिंपल सा ऑप्शन है, आप जिस कमांड में हैं उस कमांड से बाहर जाइए। बाहर जाने के दो ऑप्शन है, मिडल डबल क्लिक करिए मिडल माउस में, या सिलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। कमांड से बाहर चले गए, ऑब्जेक्ट पे ऐसे क्लिक करके आप उसे डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के दो ऑप्शन है, एक बार क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हल्की सी कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए अभी ऐसे आप जूम करके देखते हैं, अभी ये चीज़ ब्राउन नज़र आ रही है, क्लिक कर देंगे ग्रीन हो जाएगी, अगर एक बार में एक ही चीज़ सिलेक्ट करता है। अगर आपको एक से ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल की को होल्ड रखिए, ठीक है। आप मैं जो भी की प्रेस कर रहा हूँ वो उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये देखिए इस कॉर्नर पे वो की हाईलाइट होगी, तो आप इसे भी ध्यान दीजिएगा। मैं ये ऑप्शन इसलिए जोड़ दिया हूँ ताकि आपको कोई भी कहीं से भी परेशानी ना हो। बाई चांस मैंने कोई की प्रेस करके शॉर्टकट ले लिया, आपको पता नहीं चला कि कौन सा कमांड ले लिया, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि मैं जो की प्रेस करूँगा वो की यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। अगर मैं उस चीज़ को बोल ना पाया तो आप सुन लें, देख लेंगे। तो कंट्रोल की के साथ इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए, ये देखिए एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल क्लिक करेंगे, और किसी चीज़ को अगर बीच में से अनसेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की करिए, उसमें दोबारा क्लिक कर देंगे तो वो चीज़ डिसलेक्ट हो जाएगी, और बस डिलीट की प्रेस कर दीजिए, ये चीज़ डिलीट हो गई। दूसरा तरीका है हमें डिलीट करने का, ऐसे रेक्टेंगल से, जैसे कि आप फोटो डिलीट करते हैं लैपटॉप में, सिंपल सी बात है समझ जाइए। ऐसे किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ इस रेक्टेंगल के अंदर आएगी पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, तो उस पूरी चीज़ को जितना सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लीजिए, और डिलीट कर दीजिए तो वो भी डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट करने का ये पहला मेथड है किसी भी ऑब्जेक्ट का क्रू में, ठीक है। मेथड वन है बाय डिलीट की, ठीक है, डिलीट की नंबर एक मेथड हो गया। नंबर सेकंड मेथड है हमारे पास, सेकंड मेथड है यहां से डिलीट सेगमेंट। चलिए कलर चेंज करके बताते हैं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। ये डिलीट सेगमेंट नंबर टू का ऑप्शन है, डिलीट सेगमेंट से। अब इससे कैसे होगा, हम देखिए कंट्रोल जेड करके जो चीज़ें डिलीट किए थे वो चीज़ें ले आते हैं, ये ले आए, ये पूरी चीज़ें आ गई हमारे पास। अब इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। अब आप डिलीट सेगमेंट वाली बटन को चेक करिए, इसे लीजिए इस ऑप्शन को, और इसके बाद क्या करेंगे, आप माउस को जहाँ जहाँ भी ड्रैग करते चले जाएंगे, इस पर ड्रैग करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। जिस लाइन पर ड्रैग कर देंगे इस मतलब क्लिक करके होल्ड रखेंगे और चलाते हुए चले जाएंगे, ये देखिए इसे डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। थोड़ा जूम करके देखिए, जहां हम ड्रैग कर रहे हैं वहां पे एक ध्यान से देखिए एक रेड लाइन बन रही है, रेड लाइन ड्रा हो रही है। वो रेड लाइन ये कह रही है कि जहां जहां से ये रेड लाइन टच हो जाएगी वो लाइन डिलीट हो जाएगी। तो ये तरीका है। तो हमारे पास दो तरीके हो गए, नंबर एक नंबर दो। पहला है डिल की से, और नंबर टू है डिलीट सेगमेंट, ठीक। डिल की तो आपके लैपटॉप में होती है और सेगमेंट का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है आपके। तो ये चीज़ समझ के, जो कि बेसिक थी कि लाइन बनाएंगे कैसे,
लाइन डिलीट कैसे करेंगे, और आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो यहाँ पे आते हैं ये डायमेंशन का, उसे आइडिया शो कैसे करेंगे, तो डायमेंशन यहाँ से हाइट शो हो जाएगी। और एक और चीज़ सीखा कि प्लेन, जिस प्लेन पे वर्क कर रहे हैं वो यहाँ से हाइड होगा। यहाँ से अगर सेलेक्ट ऑल कर देते हैं तो सारी चीज़ हाइड दिखने लगती है और सारी चीज़ हाइड हो जाती है, लेकिन अगर आपको प्लेन चाहिए तो कल प्लेन पे क्लिक कर दीजिए, आपका प्लेन शो होता रहेगा। अब देखिए, बाय चांस आपने मिडल माउस क्लिक करते समय आप मिडल माउस को दबा के ऐसे कर दिए, ये देखिए प्लेन आपका रोटेट हो गया। जब प्लेन रोटेट हो गया तो हमने आपको बताया है कि ये जो आपका बटन है सीधा करने वाला, इसका यूज करेंगे। Okay, ये सीधा करने वाला बटन है, इफ रोटेट, ठीक है, रोटेट कर देंगे तो ये आपके सामने कर देगा। इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आपको ठीक कर देगा, मतलब स्क्रीन के पैरेलल आपकी जो स्केच प्लेन है उसको ले आएगा, तो आपको आसानी रहेगी बनाने में। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि लाइन कमांड का यूज, लाइन कमांड लेते कैसे हैं, लाइन कमांड से बाहर कैसे जाते हैं, लाइन कमांड के बाद हम जो डाइमेंशंस देखते हैं ढेर सारी, उन डाइमेंशन को हाइट कैसे करते हैं, प्लेन को सीधा कैसे करते हैं, पैरेलल कैसे करते हैं, यहाँ से डाइमेंशन को हाइट कर लिए और यहाँ से प्लेन्स को हाइट शो कर लेते हैं। यहाँ से डिलीट सेगमेंट का ऑप्शन है जिससे भी हम डिलीट करते हैं और एक डिलीट की से भी डिलीट करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिए और मेरा प्रयास रहेगा मेरी ओर से कि मैं जितना आसानी से, जितना एक्सप्लेन करके इस चीज़ को समझा सकूं, आप उतनी जल्दी से जल्दी सीखिए और एक बार वीडियो को देखिए और आप एक बार में सीखिए, आपको बार बार देखना ना पड़े, ये मेरी ओर से प्रयास रहेगा। गुड बाय।